और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर ताप्ती नदी के 5 घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसको लेकर नगर निगम अध्यक्ष ने कार्यालय में जानकारी दी। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि ताप्ती नदी के 5 घाटों पर भगवान श्री गणेश का विसर्जन होगा, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर घाटों पर अब तैयारी भी शुरू हो गई है। ताप्ती नदी के नागझिरी घाट, राजघाट, सतियारा घाट, ताप्ती नदी के छोटे पुल और हतनूर पुलिया पर विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर घाटों पर साफ सफाई की साथ प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। विसर्जन की तैयारी को लेकर राजघाट, नागझिरी घाट, सतियारा घाट और अपना ताप्ती पुल का जो छोटा पुल है वो और हतनूर, और उसके लिए मतलब लाइट की व्यवस्था और जो गड्ढे वगैरह हुए उसमें मुरुम और करवा भर के उसको प्लेन करके गणपति जी विसर्जन होंगे, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। बुरहानपुर कलेक्टर ने सुभाष स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी और अफसरों को निर्देश दिए। गुरुवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर भव्य मित्तल ने सुभाष स्कूल का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने व्यवस्था देखी, कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं इस परिसर में स्कूल भवन का निर्माण होना है, जिसको लेकर भी जानकारी दी। गौरतलब है कि आज कलेक्टर भव्य मित्तल अफसरों के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। यहाँ पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उन्होंने करीब आधे घंटे तक निरीक्षण किया। बुरहानपुर खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की वीडियो संदेश के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से वीडियो संदेश के जरिए की है। कर्मचारी नेता संतोष सिंह दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कई पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जिससे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। इसलिए कर्मचारियों का कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन नहीं लागू होती है, तब तक हम विरोध, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते रहेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था कि संपूर्ण भारत के 1 करोड़ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिले, और इसके लिए बाकायदा 17 राज्यों में रैली निकाली है, जन जागरण अभियान किया, और इसके अंतर्गत समस्त प्रदेशों में इसके लिए आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन का यह असर हुआ कि सरकार ने NPS से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की ओर आई है, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि आपने कम से कम कर्मचारी के हित में सोचा, NPS से आप UPS पे आ गए। UPS में हम संशोधन यह चाहते हैं कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ रक्षा सेवानिवृत्ति अंतिम माह का वेतन महंगाई भत्ता सहित मिले। बुरहानपुर के जैनाबाद में शराब के नशे में पति ने पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी पर लोहे के कड़े से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे जैनाबाद में पारिवारिक विवाद के चलते शराब के नशे में पति ने लोहे के कड़े से पत्नी के सिर पर हमला कर उसको घायल कर दिया। घायल शिवानी ने बताया कि पति नीतू शराब का आदी है, आज भी शराब पीकर आया और विवाद करने लगा। मेरे द्वारा विवाद करने का मना किया गया तो उसने मेरे सिर पर लोहे के कड़े से हमला कर मुझे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है, डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर बोदरली के चौकी प्रभारी ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। DFO SDO ने कार्यालय में सम्मानित किया। गुरुवार दोपहर 1 बजे बुरहानपुर वन मंडल कार्यालय में DFO विजय सिंह और SDO अजय सागर ने राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बोदरली के चौकी प्रभारी अब्दुल समीर खान ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 120 किलोग्राम वर्ग समूह में प्रतिनिधित्व किया। 600 किलो वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है, जिसको लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित हुई थी। 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में मध्य प्रदेश का यहां प्रतिनिधित्व करेंगे।